केजीएन छिंदवाड़ा के ठेकेदार द्वारा लाखों रुपए से बनने वाली डामरीकरण सड़क में गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है। निर्माण कार्य विभाग एजेंसी महाप्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन परियोजना इकाई क्रमांक 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तुमड़ागढ़ी से गड़िया तक बन रही डामरीकरण सड़क में गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य एजेंसी केजीएन छिंदवाड़ा के द्वारा डामरीकरण सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। स्टेट हाईवे 84 से बिछुआ कुरई शंकरवन तुमड़ागढ़ी खामरपानी मुख्य मार्ग से तुमड़ागढ़ी से गड़िया तक 46 लाख से अधिक की लागत से सड़क बनाई जा रही है। आरोप है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा मानक के अनुरूप सामग्री का प्रयोग न कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते ठेकेदार मन मर्जी से घटिया निर्माण कर रहा है। आप बताइए, आपकी जो रोड बनी है तुमड़ागढ़ी से गड़िया तक पूरी घटिया किस्म की बनी है, तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इसे दोबारा बनाया जाए और जो मटेरियल है वो लगना चाहिए इसमें। हाँ। और मतलब जैसे ये कच्चा बन रहा है, ये हाथ से निकल रहा है, इसे दोबारा रिपेयर करा जाए, अच्छे से बनाया जाए, इसमें जो भी मतलब कमी है उसकी पूर्ति किया जाए। मतलब पूरा घटिया किस्म का मटेरियल से बनाया गया है ना? हाँ। अच्छा, कब चालू हुआ ये काम? ये दो दिन हो गए, बारिश हो रही थी, दो दिन हो गए इसको करने को, दो दिन में इनने कम्प्लीट कर दिया। और यहाँ पे जब गांव वाले ने देखा, हमने देखा, तो ये ऐसा साला हाथ से निकल रहा है कि नहीं, तो अगर अब अच्छे से बनाया जाए इसे। तो इसकी अभी शिकायत आपने कहाँ की? अभी इसका शिकायत आपने नहीं की है? नहीं, किसी ने नहीं की है। अभी आप ही के पास? नहीं, मैंने किया हूँ। तुम गांव तक चलोगे क्या? मैंने किया था ना। दो मिनट करो, इसके तो डिस्कस। तो इसके लिए आप आगे तक जिले तक जाओगे आवेदन लेके? नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमारे गांव की रोड है ये, और इसे एक ही बार बनना है तो अच्छे से। आप समस्या तो हमें ही होना है ना बारिश में। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकिरण ध्रुव है। कहाँ से? गड़िया से। बताइए आपका क्या समस्या? जी मेरी समस्या कुछ नहीं है, परंतु मालूम है कि एक रोड पूरा टूटा उटा हुआ है। अच्छा, तुमड़ागढ़ी से गड़िया तक जो हिसाब से जो इस पर थिकनेस देना चाहे थे उस हिसाब से थिकनेस नहीं है। अभी बंदा इधर अभी खोदा हुआ है, आप देख लिए पहले उसको, तो वो मिल नहीं पा रहा है। बाकी सब ने बोल रहा है, इसके बाद देख लिए सभी लोगों ने। अभी आपको शिकायत दिए थे हमारे ध्रुवे जी, हो कुछ भी हो, आप सभी को दिखा दिए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा हमारे ग्राम में कुछ काम हो रहा है, क्यों हमारे ग्राम में कुछ काम हो रहा है, थोड़ा अच्छा हो। हम सभी लोग इसलिए एकजुट हुए हैं तो हमारे ग्राम में थोड़ा सा अच्छा काम हो, क्यों क्योंकि हमारे ग्राम का भी विकास हो। आप भी सभी लोग आप उसी उद्देश्य से आए होंगे। हम हमारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो रहा है, एक जिसका वो थिकनेस था उसने बनाए नहीं है, उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। कुल मिला के लिपा पोती करके चला गया ठेकेदार। हम उसी उद्देश्य से हम लोग, हमने ये बोलते कि भाई हम लोग को आधे हमारा काम अच्छा हो जाए तो हम लोग यहाँ पे हम क्यों खड़े रहते। हमारे ग्राम का काम है, हम लोग सभी को जाना पड़ता है, ये सभी लोग चलते हैं। परंतु ये देख लीजिए, आप देख ही रहे होगा क्या थिकनेस है इसमें, क्या है इसमें, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और इन लोग अपने आप में पैसा कमा रहे हैं लेकिन हमारे गांव का काम नहीं कर रहे इन लोग। सड़क निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, उसका रिपेयर डबल से किया जा रहा है, जिसमें यानी कि जो ठेकेदार है छिंदवाड़ा का ठेकेदार है, और उनका मैं कंपनी का आपको नाम बता देता हूँ। मैं उनका कंपनी का नाम है KGN एम्बुलेंस एसोसिएट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, है ना। इसके तहत ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि जो सड़क बनाया जा रहा है एकदम दो नंबर के तहत बनाया जा रहा है, यानी कि कोई भी यानी कि सही काम कार्य नहीं किया जा रहा। जो मटेरियल डलना चाहिए, जो रोड में मटेरियल लगना चाहिए, वो मटेरियल नहीं डल पा रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से रोड में यानी कि मजबूती से नहीं बन रहा है। अगर आप सड़क में अगर बाइक चला रहे हो या ट्रैक्टर चला रहे हो, कोई भी यानी कि वाहन चला रहे हो, अगर उस वाहन के चलने से सड़क टूट जा रहा है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे जितना मटेरियल डालना चाहिए उतना नहीं डल पाया। देखिए ये 2 सेंटीमीटर इसका मटेरियल डालना चाहिए, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा से 1 सेंटीमीटर भी यहाँ पे यानी कि मटेरियल नहीं डला हुआ है। और आप ये साइड से भी देख सकते हैं, साइड से भी
मटेरियल कहीं कम कहीं ज्यादा डाला हुआ है ना, ये ऐसा निकल रही है, ये देखिए इसके नीचे ये पुराना सड़क है। बिछुआ से चंचलेश इंदौरकर की रिपोर्ट।